प्रदेश में तेज बरसात के बाद नर्मदा में आई बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त हुए पुल पर पिछले 24 दिनों से बंद मोटका पुल को 25वें दिन आवागमन के लिए खोल दिया गया है। ज्ञात रहे कि इतिहास में इससे पहले इतने दिनों के लिए कभी भी पुल पर आवागमन बंद नहीं हुआ। मोटका पुल पर डांबर की नई लेयर चढ़ाई गई है। वहीं ठेकेदार ने बताया कि रेलिंग का कार्य लगभग फाइनल स्टेज पर है। पहले की रेलिंग हटाकर 3 पाइप वाली नई रेलिंग लगाई गई है, जिससे रेलिंग में मजबूती रहेगी। इतिहास में पहली बार हुआ है कि मोटका का पुल लगातार 25 दिनों से बंद है। 1998 में 15 दिन, 2019 में 8 दिन और 2020 में 25 दिन बंद रहा मोटका पुल, जिसे आज जांच के उपरांत एक बार फिर से चालू किया गया। पुल रिपेयरिंग का काम NHAI द्वारा किया जा रहा है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। हाँ, जो काम था जरूरी, लेयर जो खराब हुई थी वो डाल दी गई है और रेलिंग भी सुधार दी गई है, बदल दी गई है बहुत सारी। सर, कितने लागत से काम हुआ है इस पुल का? ये लगभग 64 लाख के आसपास का। इसमें अब क्या क्या शेष रहा है काम? नहीं, जो अभी काम था वो तो पूरा हो गया। अभी हम इस पर रोड मार्किंग करेंगे 4-5 दिन बाद, क्योंकि अभी करेंगे तो काली पड़ जाएगी। कैटाइज वगैरह लगाएंगे, पेंटिंग का काम भी लगभग आधा हुआ है, आधा काम और होना है पेंटिंग का। सर, आपने निरीक्षण करा था, नीचे क्या पाया सर, क्या डैमेज वगैरह हुआ है? उसको फिजिकली देखने से तो कोई ऐसा डैमेज के कोई साइन है नहीं, इसलिए ट्रैफिक को चालू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हैवी और छोटे दोनों वाहन चलेंगे सर? हाँ, दोनों ही वाहन के लिए चालू करें। आगामी दिनों में और कुछ सर प्रोसेस इसके लिए? नहीं, अभी तो कोई प्रोसेस नहीं, चूँकि NHAI इसका फुल लेन कर रही है और उनका दूसरा ब्रिज भी बनना रहेगा, तो जो और कोई रिक्वायरमेंट अगर इन फ्यूचर आती है पियर में या स्लैब तो देखेंगे। बाकी अभी ट्रैफिक को चालू करने में कोई व्यवधान नहीं है, चालू कर रहे हैं। ठीक। तो माँ नर्मदा का ऐसा आशीर्वाद दिया कि पूरा रोड ही उखाड़ दिया, और माँ का आशीर्वाद फिर ऐसा दिया कि सरकार ने देखो रोड नया बना दिया, या मेरी खड्डे भरने की परेशानी खत्म हो गई पुल से और दुर्घटना नहीं होगी। माँ नर्मदा का आशीर्वाद देखो कितना जोरदार दिया। इसमें मीडिया भी बहुत धन्यवाद के पात्र है क्या, कि जिन्होंने समय समय पे ऐसे सब फोटो और न्यूज़ सब लगाई और ये दिन आज सुंदर रोड देखने को मिल रहा है।